हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ECI हंगरी T10 का जो अगला मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, मैं हूँ या कोई भी और एक यूट्यूबर हो आप फॉलो करते हैं, उनका पिछला मैचेस का रिकॉर्ड जो है वो एक बार ज़रूर चेक करिए कि उनका टीम कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पैसे आपके हैं तो रिस्क भी आपका है, तो एक बार उनके टीम का परफॉर्मेंस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हमारी जो टीम है उसका परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, आ गए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखिए ये लिखते हैं, सर मज़ा आ गया, मैंने 500 इन्वेस्ट किया और जीता 2000। देखिए 500 रुपये इन्वेस्ट करके 2000 जीत लिया इन्होंने। सर आप भगवान हो भाई, इतना डीप नॉलेज, मज़ा आ गया। देखिए देखा, हमारे यूज़र्स हज़ारों रुपए रोज़ाना जीत रहे हैं। तो आपको अगर हमारे टीम से खेलना है तो ये टीम आपको कहाँ मिलेगा, बोलिए बोलिए। ये आपको मिलेगा हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ उसी में, जो है UDCRA। तो आप टेलीग्राम पे आइए और सर्च करिए UDCRA, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, है ना दोस्तों। और एक चीज़, ये जो वीडियो है, वीडियो के आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो अगर बात करते हैं इस वीडियो की, जो बन रहा है इन दोनों टीमों के जो फाइनल अपडेट्स हैं, जो हमारी प्राइम टीम है जिससे हम और हमारे यूज़र्स खेलेंगे, उसके बारे में आपको अपडेट देने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं प्राइम नोट्स पे। तो प्राइम नोट्स कहाँ गए, ये रहा हमारा प्राइम नोट। तो अगर मैच की बात करें तो ये लगभग वही ग्राउंड पे खेला जाएगा जिसमें जो पहले के मैचेस खेले जा रहे थे, वही पर बैटिंग फ्रेंडली पिच होगा, हाई स्कोरिंग गेम आपको दिखेंगे, ठीक है। तो बैट्समैन को प्रायोरिटी ज़रूर देना, और टॉप बेसिकली टॉप ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं उनको, ठीक है ना। अगर प्लेइंग 11 की बात करें हंगरी का, आहूजा, राशिक, हमीद, के दिलदार, मार्क आहूजा, संजय कुमार, फिर दरापुर रेड्डी, अभिषेक कतरपल, अभिषेक पसर, मोहनदास, गुलाम अब्बास, मोहम्मद सकलेन। तो ये है प्लेइंग 11 हंगरी की। अगर पुर्तगाल की बात करें, के गोलिया, एच एम्बर्स, शरण गोम्स, इक्रम, गिमिरे, स्ट्रोमन, सिराज, उसके बाद आएंगे रूपू, फिर जुनेद खान, यस रहमान, नजम शहजाद, है ना दोस्तों। अगर बात करें जो प्लेयर्स जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते अपने स्मॉल लीग के टीम से, ठीक है ना, उनमें आते हैं मार्क आहूजा, कतरपल, रविंद्रन, मोहनदास, इकराम, स्ट्रोमन और जुनेद खान। इनको आप ड्रॉप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और एक चीज़, ये आपके लिए ड्रीम इलेवन की जो ग्रैंड लीग है उसकी सबसे प्रबल दावेदार बनते हैं सी और VC के, है ना। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी टीम्स पर। तो अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात करें, दो तीन अच्छे ऑप्शन है, दो आहूजा और गोलिया, ठीक है ना। अभी के लिए हम आहूजा को लेके रखेंगे, गोलिया भी एक अच्छी चॉइसेस है, इनको अभी होल्ड के रखेंगे, ठीक है ना, बाद में सोचेंगे इनके बारे में। फिर आते हैं राशिक बिन हसन, इनको रखेंगे। फिर अगर के दिलदार खेलते हैं, इनको तो पक्का रखेंगे अपनी टीम में। तो और अच्छे ऑप्शंस की बात करें आपके, जैद सफ़ी, मोहम्मद अदनान जो ओपनिंग करेंगे, ठीक है ना, ये भी अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। तो अभी के लिए हम इन दोनों को रखेंगे अपनी टीम में। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, एबस्ट्रोमन जो दो ओवर बॉलिंग करेंगे, एदर उपरेड्डी, निप्पो, कतरपल, प्रसाद, रविंद्र, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम रखेंगे एबस्ट्रोमन, द्रुपरेड्डी, निप्पो, कतरपल खेलते हैं तो इनको ज़रूर रखेंगे, अभी प्रसर, रविंद्र, ठीक है ना। अगर बॉलिंग की बात करें तो किसे रखेंगे, हमारे प्राइम नोट्स में क्या था, यस मोहनदास, पी सिंह, जुनेद खान,
सकलन या ग्रैंड लीग की पिक है, इनको आप स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मोहनदास पी सिंह को हम टीम में रखेंगे, है ना। अगर के दिलदार खेलते हैं तो इनको रखेंगे, अगर नहीं तो इनको ड्रॉप करके हम डायरेक्टली लेंगे चे खान को, है ना। तो कुछ इस तरह से निकल के आ रही है हमारी टीम, तो एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, है ना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, अच्छे ऑप्शंस की बात करें तो ए प्रशर, पी रविंद्रन, ये एबस्ट्रोमन, इतने सारे आपसे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम सी मतलब कैप्टन करेंगे अरुपा रेड्डी को, दुरुपा रेड्डी और वाइस कैप्टन एबस्ट्रोमन को करके चलेंगे। तो एक बार टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो टीम कुछ इस तरह से बन के आ रही है हमारी। तो आपको क्या करना है, जो फाइनल अपडेट है उसके लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, जिस पे हमारी फाइनल टीम आएगी। तो फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ओके।